हाँ भाई, गुड इवनिंग। ये हमारी टीम का एक न्यू इनिशिएटिव है। काफ़ी डिमांड हमारे पास आ रही थी कि भाई हम एडिटोरियल सेक्शन को डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो हमारी टीम ने काफ़ी एफर्ट करके ये न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और इसके अंदर हम जितने भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है, हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, ठीक है, दैनिक जागरण है, उनके जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं एडिटोरियल पेज के, उनको इस सेक्शन के अंदर अपन डेली डिस्कस करना चालू किया है आज, ठीक है, शुरू किया है। तो होप सो आप सबको पसंद आएगा ये हमारा न्यू इनिशिएटिव। तो लेट्स स्टार्ट। एज यूजुअल जो हम कोई भी मेन इश्यू होता है उसका फ्रंट पेज पर लेआउट रखते हैं, और इसमें हमने म्यांमार का लेआउट रखा है। क्यों रखा है वो आगे अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो आर्टिकल है वो किससे है कि हिंदू का आर्टिकल है। हिंदू हिंदू में आर्टिकल आया है कि इंडिया की जो पॉलिसी है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, विदेश नीति है, विदेश नीति संबंधित ये आर्टिकल है, और बहुत ही अच्छा आर्टिकल ये है, ठीक है। इंडिया की विदेश नीति में ये बात इन्होंने किया है कि भाई इंडिया की विदेश नीति में कौन कौन से फैक्टर मर्ज करने चाहिए, इससे संबंधित, और ये हमारे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले फैक्टर बताए गए हैं कि भाई इंडिया की विदेश नीति किस तरफ जा रही है और उसको जाना किस तरफ चाहिए, कौन कौन से फैक्टर उसके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से फैक्टर को कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पहले इसके अंदर ये डिस्कस किया गया था कि भाई इंडिया ने हाल ही में, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, फ़िलिस्तीन, ठीक है, यूएई और ओमान, इन तीन देशों की यात्रा की। और इससे पहले अपने को पता है कि फ़िलिस्तीन से पहले इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ विजिट की, ठीक है। तो इसने उन्होंने ये बताया कि इंडिया ने इसको इजीली मेंटेन कर लिया। अपन जानते हैं जैसे भारत और पाकिस्तान का रिलेशन, इसी तरह से इजराइल और फ़िलिस्तीन की कंडीशन है, ठीक है। फिर भी इजराइल के प्रधानमंत्री आते, और उसके कुछ दिनों बाद ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फ़िलिस्तीन जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर कुछ समझौते पर भी हस्ताक्षर करते हैं। और वहाँ पर कहा है कि इंडिया ने ये अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो फ़िलिस्तीन की संप्रभुता के लिए कटिबद्ध है, ठीक है, उसकी सॉवरेनिटी के लिए कटिबद्ध है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या मानते हैं कि भाई इंडिया इस तरह के डिसीजन इसलिए ले पा रहा है इधर, क्योंकि इंडिया को डायरेक्टली फ्लैक्चुएट नहीं कर रहे। फ़िलिस्तीन और इजराइल इंडिया की बहुत ज़्यादा नेबरहुड कंट्री नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसलिए उन दोनों को बैलेंस करना इंडिया के लिए ईजी हो पा रहा है। इसी तरह से यूएई के बारे में उन्होंने बताया कि भाई यूएई से भी काउंटर टेरर एस्पेक्ट पर इंडिया ने क्या किया, साइन किए, ठीक है, समझौता किया। इसके अलावा ओमान, और ओमान वाली बात जब की है तो उसमें ओमान के बारे में कहा कि लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि डोकॉम पोर्ट, क्या डोकॉम पोर्ट, तो ये पूछ सकता है कि भाई डोकॉम पोर्ट कहाँ है, तो डोकॉम पोर्ट ओमान के अंदर है, ठीक है। डोकॉम पोर्ट ओमान ने क्या है कि इंडियन नेवी को एक्सेस दे दिया अपने इस डोकॉम पोर्ट के लिए, तो पूछ लिया कि भाई डोकॉम पोर्ट कहाँ पर है, ओमान के अंदर। तो इस पहले पेज के अंदर तो उन्होंने ये चीज़ें फ़िलिस्तीन और ओमान के बारे में डिस्कस किया है। उसके अलावा आगे उन्होंने बताया कि भाई इंडिया का क्या है कि आसियन देशों को इंडिया ने स्वतंत्रता दिवस पे आसियन देशों को क्या, 10 देशों को इंडिया ने बुलाया चीफ गेस्ट के रूप में, ठीक है, गणतंत्र दिवस पे, और उनको मैनेज किया, ठीक है। तो ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि साउथ ईस्ट जो नेशन, वो भी इंडिया के क्लोज नेबरहुड नहीं, बिल्कुल उनकी बाउंड्री इंडिया से टच नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, ये इनिशिएटिव है, लेकिन इतना ज़्यादा इसको हाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस इनिशिएटिव को इतने ज़्यादा हाइप करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये चीन के काउंटर कर देगा, ठीक है, उसका वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव को काउंटर कर देगा, ठीक है, या फिर इसको इंडिया की जो, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया का जो क्वाड है, तो ये क्वाड से संबंधित बात याद रखनी चाहिए। क्वाड रिलेटेड किसकी बात चल रही है कि जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, ये 4 देश मिलकर के एक 4 देशों का समूह बनाना चाहते हो, उसको नाम दिया गया क्वाड रिलेटर। तो इसमें ये बात कही कि भाई इनको भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि बैलेंस करके चलना चाहिए, लेकिन इंडिया को इस इश्यू को भी इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। आगे इन्होंने क्या कहा है कि आगे इन्होंने कहा है कि भाई इंडिया को कौन सी देशों से बातों पर ध्यान देना जरूरी है। तो उसने कहा कि जो इमीडिएट नेबरहुड है, जो जिनकी बाउंड्री इंडिया से लगती है, कौन कौन, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है, इनकी बाउंड्री इंडिया से लगती है, और ये चारों क्या है, फ्लैक्चुएट हो रहे हैं। जैसे नेपाल के अंदर लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है, और अपन अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि नेपाल का जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, वहाँ के ज़्यादातर के अंदर चाइना को ज़्यादा वहाँ पर क्या दिया जा रहा है, कैपेबिलिटी एक्सेस दिया जा रहा है, तो ठीक, इसलिए ये बात कही कि भी चाइना के एक्सेस ज़्यादा दिया जा रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट को उधर ज़्यादा कंसर्न दिखाना चाहिए, ठीक है, प्रो चाइना एटीट्यूड की जगह इंडिया को क्या, प्रो
नेपाल का जो एटीट्यूड है उसको प्रो इंडिया में कन्वर्ट करना चाहिए। इसी तरह से बांग्लादेश की बात इन्होंने की, एक बांग्लादेश के अंदर स्पेशल कोर्ट ने क्या खालिदा जिया जो उनकी वहाँ की पीएम है उसको करप्शन चार्ज में, तो वहाँ भी क्या है पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और 2019 में वहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ पर भी इंडिया को क्या है कि क्लोज मॉनिटरिंग करनी चाहिए इन दोनों देशों की, कि यहाँ पर चाइना की अगर ये ग्रेट उपस्थिति हो जाती है तो फिर इंडिया के परस्पेक्टिव से क्या थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है, कि अगर यहाँ पर चाइना की प्रजेंस नेपाल में या बांग्लादेश में ज़्यादा हो जाती है, तो क्योंकि नेबरहुड है, डायरेक्ट बाउंड्री इंडिया से टच कर रही, तो ये बात इस आर्टिकल के अंदर की गई। उसके अलावा ये बताया गया कि मालदीव के अंदर भी अभी अपने अखबारों में पढ़ा है कि वहाँ के मिलिट्री रूल की बात चल गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था उसके प्रेसिडेंट को, जो पूर्व प्रेसिडेंट से वो उसको अयोग्य ठहराने के, तो वो बात भी यहाँ पर की गई कि मालदीव भी अनस्टेबिलिटी चल रही, तो वहाँ पर भी इंडिया को क्या है पूरी तरह से कंसर्न रखना चाहिए मालदीव के इशू में भी, ठीक है। और इसी के साथ साथ इन्होंने ये बात कहा है कि मालदीव भी प्रो चाइना की तरफ टिल्ट कर रहा है जिस तरह से नेपाल, और इसी तरह से पाकिस्तान के बारे में कहा है कि पाकिस्तान के बारे में भी इंडियन गवर्नमेंट को क्या हार्ड डिसीजन लेने होंगे, ठीक है, क्योंकि इंडिया अगर ट्रंप को कहते रहेगा तो ट्रंप इस इश्यू में कोई ज़्यादा, ट्रंप के जो धमकियाँ उमकियाँ उससे पाकिस्तान पर कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ भी नहीं रहा, और ये अपन देख रहे हैं रोज़ सीज फायर उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस आर्टिकल के अंदर ये बात कही है कि पाकिस्तान के विरुद्ध ज़्यादा हार्ड एक्शन लेने होंगे। उसी तरह से अफगानिस्तान के बारे में बताया गया कि भाई डेली वहाँ पर मास केयर होता रहता है, ठीक है, वहाँ हमले रेगुलरली हो रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या है। इसके अलावा ये बताया गया कि भाई ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस में दिल्ली वहाँ पर कितना स्पेंड कर रही है, $2 बिलियन स्पेंड कर रही है अफगानिस्तान, तो ये अफगानिस्तान पर भी इंडिया कभी नहीं चाहेगी कि वहाँ इंस्टेबिलिटी रहे और तालिबान का दोबारा शासन वहाँ पर आए। तो इन चार कंट्री पे क्या इंडिया को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एज कम्पेयर टू पलिस्तीन और साउथ एशियन नेशन की, ये बात इसके अंदर कही गई है। और लास्ट के अंदर एक लाइन बहुत ही अच्छी इसके अंदर है कि इफ इंडिया सीम्स अन इंटरेस्टेड इन एंश्योरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, कौन कौन से नेपाल के अंदर है, बांग्लादेश, मालदीव, ठीक है, इनके अंदर यदि अनस्टेबल है तो कोई दूसरी एक्स्ट्रा रीजनल प्लेयर वहाँ पर क्या है इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा और वो इंडिया के लिए सही नहीं रहेगा। तो ये आर्टिकल हिंदू के अंदर है और दैट इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है कि भाई हिंदू के अंदर ही एडिटोरियल पेज पर आया कि सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रहरी, एक एनजीओ था लोक प्रहरी एनजीओ की पीआईएल पे ये डिसीजन दिया है कि भाई जो भी इलेक्शन लड़ेगा, कंटेस्ट इलेक्शन चुनाव लड़ेगा, उसको अपने जो संपत्ति का ब्यौरा था वो पहले देता ही था, लेकिन साथ साथ में उसको अपनी संपत्ति के साथ साथ में उसका सोर्स क्या है कि भाई उसकी संपत्ति कहाँ से जनरेट हो रही है वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है, ये लीगल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में, तो दैट इज़ वेरी गुड डिसीजन, ठीक है, कि इंडियन के जो जो इलेक्शन सिस्टम उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की दिशा में बहुत अच्छा है। और इस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कब कम इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स में दखल अंदाजी दी या कुछ अच्छे इनिशिएटिव लिए, जैसे नोटों के बारे में इसने बताया कि नोटों का इनिशिएटिव भी क्या सुप्रीम कोर्ट ने लेकर आया। इसके अलावा कि भाई यदि किसी को पॉलिटिशियन के ऊपर अपराध सिद्ध हो जाता है और उसको सजा मिल जाती है तो तुरंत उसको लेजिस्लेचर या विधानसभा या संसद की सदस्यता से निलंबित कर दिया जाता, बर्खास्त कर दिया जाता, तो ये डिसीजन भी किसने दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और ये थर्ड डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि भाई जब चुनावी पत्र दाखिल करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर ये बताना पड़ेगा कि मेरी इनकम का सोर्स क्या रहा है, मेरी इनकम इतनी इनकम है तो उसको, इसके अलावा इसके अंदर साथ साथ में ये भी कहा है कि अपने जो डिपेंडेंट है नेटिव से उनकी इनकम भी, उनकी इनकम और उनका सोर्स भी बताना पड़ेगा, तो दैट इज़ वेरी गुड कि भाई इतना अच्छा रिफॉर्म सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन दिया, तो ये हमारे आंसर के कोट करने में काम आ सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट डिसीजन इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स के दिशा में कौन से, उसने लोक प्रहरी आयो जो एनजीओ है उसने पीआईएल दाखिल की थी, ठीक है। हाँ कुछ बातें इसके अंदर डिस्कस की गई कि भाई कौन इसके, कौन सी बॉडी ये डिसाइड करेगी, ठीक है, कौन सी बॉडी जांचेगी कि भाई ये जो दाखिल किया है सही है कि नहीं अल्पनामा चुनाव के अंदर, तो वो सारी बातें इसके अंदर की है। तो इसमें कहा गया कि भाई चुनाव आयोग और इंडियन गवर्नमेंट को साथ में बैठ करके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1900 RPA जो 1951 है उसके अंदर संशोधन, उसकी धारा 123 उसके अंदर संशोधन करके कोई ऐसी बॉडी बनाई जानी चाहिए जो इन इस मैटर को क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके, और उनकी जो वेल्थ है यानी कि उनका जो संसाधन से या उनकी जो इनकम एकदम से बढ़ जाती है विधायकों या सांसदों की, तो उसकी जांच करते रहनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एकदम से बढ़ती है तो ये करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा और उनको RPA Act 1951 के तहत संसद की सदस्यता से या विधानसभा की सदस्यता से निलंबित किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल इसके अंदर दूसरा आर्टिकल हिंदू का ये था, दैट इज़ वेरी गुड आर्टिकल ऑल्सो। उसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है कि भाई इंडिया के अंदर अभी क्या साउद इन एनकाउंटर है उसके जो 49 विटनेस थे जो गवाह थे उनमें से 33 ने अपना बदलाव कर लिया, यानी कि वो गवाह से बदल गए, ठीक है, पहले कुछ बयान दिए और बाद में अपने बयान से क्या पलटी मार गए, तो वही बात इसके अंदर कही गई है कि भाई
जो विटनेस है उनको सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विटनेस को सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अंदर अपने लिए इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वो सारी सारी चीज़ें हैं कि भाई मालेगांव विस्फोट के अंदर विटनेस बदल गए, सलमान का हिट एंड रन केस के अंदर विटनेस बदल गए, तो वो सारी चीज़ें तो अपन कोर्ट करने, अपने लिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमने रखी हुआ कि एक तो इसके लिए कि विटनेस की सिक्योरिटी के लिए माले मत कमेटी बनी थी, माली मत, कौन सी कमेटी बनी थी, माली मत कमेटी बनी थी, ठीक है, विटनेस की सिक्योरिटी के लिए, सॉरी माली मत कमेटी बनी थी विटनेस की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, क्या बनी थी, माली मत कमेटी, ठीक है, जस्टिस माली मत कमेटी बनी थी 2003 के, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा लॉ कमीशन है 178वीं रिपोर्ट, तो ये भी पूछा जा सकता है कि 178 रिपोर्ट है लॉ कमीशन की, वो आरएएस मेंस परीक्षा के अंदर पूछ लिया अगर वैसे पूछा, तो 2001 के अंदर लॉ कमीशन की 178वीं रिपोर्ट है और माली मत कमेटी, तो ये दोनों किसी विटनेस की सिक्योरिटी से रिलेटेड बनी थी। और उन्होंने हालांकि सेंटर गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं कि भाई पुलिस का जो विटनेस का बयान है वो कहाँ पर रिकॉर्ड करेगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करेगी, ठीक है, वो सारी सारी, लेकिन फिर भी पूरी तरह से सेंटर गवर्नमेंट इस इनिशिएटिव में दखल अंदाज नहीं करी, और क्यों नहीं करी, वो कह रही है कि भाई ये लॉ और ऑर्डर का जो इश्यू है वो कौन सी लिस्ट के अंदर है, स्टेट लिस्ट के अंदर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एनआईए का भी तो गठन किया है सेंटर गवर्नमेंट, तो इस तरह से विटनेस के ऊपर भी प्रोटेक्शन, विटनेस की प्रोटेक्शन का भी जिम्मेदारी सेंटर को लेनी चाहिए और इससे संबंधित नियम कानून बनाए जाए। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो माली मत कमेटी भाई किससे संबंधित है 2003 के अंदर, तो विटनेस की से संबंधित है, इसके अलावा लॉ कमीशन की 178 रिपोर्ट, ठीक है, और इसके अलावा ये कि भाई लॉ एंड ऑर्डर के जो इश्यू वो कौन से लिस्ट के अंदर आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था। इसके अलावा जो बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल है कि भाई पीएसबी पब्लिक सेक्टर जो बैंक है उसके अंदर जो अपन पढ़ रहे हैं पीएनबी का घोटाला और ये घोटाला और उसके एनपीए की समस्या, बहुत सारी समस्या, तो वो इससे रिलेटेड है, कुछ फैक्ट्स हमने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के। इसमें बताया गया कि भाई पीएसबी नीड इक्विटी कैपिटल की जो पब्लिक सेंटर पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है उनको 2.4 ट्रिलियन पैसा चाहिएगा 2018 तक, क्यों, बैसल नॉर्म 3 से मिलने के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए चाहिएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि इनका बैड लोन एनपीए भी बढ़ गया है, ठीक है, एनपीए भी कितना हो गया, 35% हो गया ग्रोस एनपीए पीएसबी का पब्लिक सेक्टर बैंकिंग का, ठीक है, टोटल ग्रोस एनपीए। इसके अलावा ये बताया गया कि पीएनबी का घोटाला इसके अंदर बताया गया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि भी एग्जैक्टली ये एसबीआई की बात की कि भी एसबीआई ने अपना प्रॉफिट बढ़ा करके दिखा दिया, 36% दिखाया, ठीक है, और जबकि उसका बैड लोन को उन्होंने छुपा लिया, 21% कम दिखाया बैड लोन को और प्रॉफिट को 36% ज़्यादा दिखाया, किसने, एसबीआई ने। तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन कोट कर सकते हैं कि भाई बैड लोन बढ़ रहे हैं इंडियन बैंकों को 2.4 लाख करोड़ रुपये चाहिए बैसल लोन 3 से मिलने के लिए 2018 तक, ठीक है। इसके अलावा पीएनबी का घोटाला और एनपी 35.9% हो गया और एसबीआई ने अपना लॉप तो 36% बढ़ा के दिखाया और बैड लोन 21% घटा करके दिखाई, ये बात अभी मानी है किसने, एसबीआई ने, ठीक है। तो इसके लिए ये बात की गई भाई क्या क्या करना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है, तो इन्होंने बताया कि अपेक्स बैंक क्या है कि जो अपेक्स बैंक है उसके अंदर मैकेनिज्म के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या, अकाउंटेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। इसके हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें इनिशिएटिव लिए, कौन कौन से इंद्रधनुष प्रोजेक्ट लेकर आई, बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया विनोद राय के अध्यक्षता में, लेकिन इतना ज़्यादा उसके अंदर कोई चेंजेज आए नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि इन्होंने एक बात बताई कि भाई यदि किसी भी चीज़ को बदलाव करना है तो उसके अंदर क्या है कि चेंजेज करो, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि चेंजेज करो, और इसमें चेंजेज में ये बात बताएगी कि भाई इनका प्राइवेटाइजेशन करो और इंडियन गवर्नमेंट के जो शेयर है उनको कम करो, ठीक है, इनका बोर्ड, क्योंकि इसके पक्ष में क्या क्या डिसीजन के, जो प्राइवेट बैंक है उनका एनपीए भी कम है, उनके अंदर घोटाले भी कम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये बताया गया कि भाई प्राइवेट बैंकों के अंदर घोटाले कम क्यों होते हैं, कि अगर मान लो कुछ घोटाला होता भी है तो उसके अंदर जो शेयर धारक है उनकी रकम उसमें जाती है, और अगर पीएसबी के अंदर कोई घोटाला हो रहा है तो उसके अंदर किसकी रकम जाती है, बेचारे टैक्स पेयर की रकम जाती है, ठीक है, जो लोकल इंडियन पॉपुलेशन जो गरीब इंसान है उसकी रकम इसके अंदर जाती है। तो ये सारी सारी बातें इसके अंदर की है, तो अपने को ये कोट कर सकते हैं, ठीक है, कि इंद्रधनुष प्रोजेक्ट बैंक बोर्ड ब्यूरो ये सुधार इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है और ज़्यादा सुधार लेने की जरूरत है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके अंदर बताया गया, टू इंप्रूव द आउटकम ऑफ टाइम मनी एंड एफर्ट सिंपली मेजर ऑन एवरी इश्यू एंड एवरी टाइम फ्रेम नीड टू बी टेकन इंस्टेड ऑफ जेनरिक सॉल्यूशन की जगह ऐसा लेना चाहिए कि भाई टाइम मनी एंड एफर्ट सिंपल मेजर, यानी कि टाइम अच्छे, टाइम कम टाइम में और एफर्ट भी अच्छे एफिशिएंट हो तभी सॉल्यूशन हो पाएगा। और ये सारी बात बताइए कि भाई अनएफिशिएंट होते हैं इनएफिशिएंसी कम और करप्शन भी कम होता है प्राइवेट बैंकों में, तो वो सब, ठीक है,
इसके अलावा जो अगला है कि भाई एक आर्टिकल ये बिजनेस लाइन से है कि भाई जो फ्यूल प्राइस को डीरेगुलेशन किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है, कब किया, 2008 में शुरुआत की, कि भाई जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फ्यूल प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, $150 पर प्रति बैरल हो गया था रेट 2008 में। और इंडियन गवर्नमेंट ने 2010 में क्या कर दिया, पेट्रोल को कर दिया क्या है, मार्केटिंग कंपनी, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी, उसके हवाले कर दिया कि भाई इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से फ्यूल के दाम तय किए जाएँ, ठीक है। और जनवरी में उन्होंने क्या किया, जनवरी 2013 से, 2010 में तो पेट्रोल कर दिया, जनवरी 2013 में क्या शुरुआत की गई थी कि डीजल के दाम भी 50 पैसे पर लीटर बढ़ाए जाएँ एवरी मंथ, ठीक है। और फिर 2014 में तो डीजल को पूरी तरह से डीरेगुलेट कर दिया। लेकिन और 2017 में इन्होंने क्या किया, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कि भाई डेली प्राइस, कुछ जगहों पर उसने डेली प्राइस की शुरुआत की गई, राजस्थान के अंदर भी 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये शुरुआत की गई थी कि भाई डेली प्राइस चेंज किए जाएँ, ठीक है, डेली इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम बदले। तो ये तो कुछ फैक्चुअल नहीं है जो अपने ध्यान रखने चाहिए, 2010 में पेट्रोल, 2014 में डीजल और 2017 में डेली प्राइस। लेकिन इसके अंदर, इस आर्टिकल के अंदर बात की गई कि भाई जो कस्टमर, उसको लाभ नहीं मिल पाता, क्यों लाभ नहीं मिल पाता, ये शुरुआत इसलिए लाई गई थी कि भाई यदि इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम कम होते हैं तो उसको कस्टमर को लाभ होगा, लेकिन लाभ हुआ नहीं है, तेल के दाम वही चल रहे। तो उसका रीज़न ये बताया कि भाई इंडियन गवर्नमेंट क्या है कि हाई ड्यूटी है, कस्टमर जो ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उस पर इंडियन गवर्नमेंट की ड्यूटीज क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, और इससे इंडियन गवर्नमेंट ने पैसा कमाया, 2.5 लाख करोड़ रुपए कमा लिए 2016 में हायर ड्यूटीज से, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि 40% टैक्सेज हैं उस पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो रेट कहाँ से कम होंगे, इससे किस जो भी कंज्यूमर है उसको कहीं पर भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है इसके बारे में, इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हाई टैक्सेस क्यों रख रहे हैं, कि इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हाई टैक्सेस इसलिए रख रहे हैं यदि इंटरनेशनल मार्केट में अभी तेल के दाम कम है, और यदि अचानक से दाम बढ़ते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट अपनी ड्यूटीज को कम करके कंज्यूमर्स को तेल के दाम से प्रभावित नहीं होने दी, पहला इश्यू दे रही है। दूसरा इशू उन्होंने क्या दिया है कि भाई अगर ज़्यादा ड्यूटी रखते हैं, तेल के दाम हाई रखते हैं, तो लोग कम पेट्रोल डीजल डलवाएंगे और इससे क्या होगा कि पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा, ये बात करें। तीसरा क्या दे रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट अपना जस्टिफिकेशन, ये दे रही है कि भाई इससे क्या होगा, इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट को रोड डेवलपमेंट में और अदर जो प्रोजेक्ट है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, और इंडियन गवर्नमेंट का जो घाटा है उसको भी कंपनसेट करने की कोशिश इसके द्वारा इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। तो ये सारे आर्टिकल इसके बारे में, ये बात इसके अंदर की गई है, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट आर्टिकल है ये रिलेटेड है हमारे फ्रंट पेज पर जो इमेज हमने डाली उससे संबंधित, कि जो म्यांमार है, कौन, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार एक डैम बना रहा है, ठीक है, म्यांमार एक डैम बना रहा है, उस डैम का नाम पहली बात तो क्या है, उस डैम का नाम है टू डी मेजांग डैम बना रहा है, कौन, म्यांमार। कौन सी नदी के किनारे पर बना रहा है, तो तिवी जैम नदी के, त्वाई जैम नदी के किनारे पर, त्वाई जैम नदी के किनारे, टू डी मेजांग त्वाई जैंग नदी के किनारे बना रहा है, त्वाई जैंग नदी के किनारे म्यांमार एक डैम बना रहा है। टू डी म्यांमार क्या, इंडिया के चार स्टेट से इसकी बाउंड्री लगती है, एक तो अपना अरुणाचल प्रदेश है, एक अपना नागालैंड, एक अपना मिजोरम और एक अपना मणिपुर, इन चार स्टेट से इसकी डिस्टेंस लगती है, और मणिपुर से ज़्यादा, तो मणिपुर से कितनी 100 मीटर दूरी पर रही है ये टू डी मेजांग डैम जो डैम है। और इससे क्या है कि डैम बनेगा तो ऑब्वियसली बात है त्वाई जैम जो नदी है वो मणिपुर से और फिर म्यांमार में जा रही है, तो वहाँ का पानी रुकेगा और गांव क्या है कि फ्लड की समस्या बढ़ जाएगी, बाढ़ बढ़ जाएगी, कई खेत उसके अंदर डूब जाएंगे। तो ये बात इन्होंने कही है कि मणिपुर के लोगों ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल से कही है कि भाई ये डैम गलत बना रहे और इससे क्या है कि मणिपुर की जनता को प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा एक रूल है कि ये डैम क्या है कि 0 लाइन से 100 मीटर दूरी पर ही है, जबकि इंटरनेशनल हिसाब से कितने, कम से कम 150 मीटर की दूरी पर कोई भी कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसके अलावा ये बताया गया कि म्यांमार का जो इलाका है खाटू गंग वहाँ पर कौन सी ट्राइब रहती है, तो ये भी पूछा जा सकता है, थाडोऊ ट्राइब कहाँ रहती है म्यांमार के अंदर, सॉरी मणिपुर के अंदर। तो ये पूछे तीन क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसमें, इस आर्टिकल में, टू डी मेजांग डैम कहाँ पर बन रहा है, म्यांमार बना रहा है, कौन सी नदी के बना रहा है, त्वाई जैम नदी कहाँ से आती है, मणिपुर से आती है और म्यांमार में जाती है, और मणिपुर में कौन सी ट्राइब रहती थी, तो थाडोऊ, ठीक है। इसके अलावा आगे हमने मणिपुर के कुछ डैम्स को शोप करने की कोशिश की है, मणिपुर के अंदर 3 डैम है, कौन कौन से, तो पूछ सकते हैं कि भाई कौन कौन से डैम कहाँ कहाँ पर है, तो मणिपुर के अंदर 3 डैम है, एक तो माफीथैल, कौन सा डैम, माफीथैल, तो पूछ सकते हैं कि माफीथैल डैम कहाँ पर है। दूसरा है खुगा डैम, कौन सा डैम, खुगा डैम 1980, और तीसरा है ताई पाई मुख कौन सी नदी किनारे पर, बराक नदी के किनारे पर बना है 35 साल, हालांकि इसने बांग्लादेश का अपोज करा है, तो ताई पाई मुख, खुगा डैम और माफीथैल ताई पाई मुख खुगा डैम, मैपीथैल ताइपाईमुख और खुगा डैम, मैपीथैल खुगा डैम और ताइपाईमुख, ये 3 डैम है कहाँ पर, मणिपुर के अंदर, वो ठीक है। तो ये सारे के सारे मैपीथैल, खुगा डैम और ताइपाईमुख,
तो ये था हमारा टूडेज आर्टिकल। और अभी क्या मणिपुर इसके अंदर कौन सा बना रहा है, टूडी मजांग, तो आई जैम नदी टूडी मजांग, तो मैपिथेल खोगा डैम और ट्राइप मुख, और ट्राइब का नाम अपने को कौन से ट्राइब, थोड़ाऊ ट्राइब, टूडी मजांग तुवाई जैम थोड़ाऊ ट्राइब, तो ये अपने को ध्यान रखना। तो ये हमारे इनिशिएटिव है, ठीक है, ऑप्शो आप इसको पसंद करेंगे, क्योंकि आर्टिकल्स के अंदर भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है जो हमें रिकैप करते रहेंगे तो थोड़ा अच्छे से रिवाइज करेंगे, आंसर लिखने में भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, और कुछ पॉइंट्स अपन आंसर के लिए सेव कर सकते हैं, ठीक है, अपने माइंड के अंदर। तो दैट इज़ आवर टुडे न्यूज एडिशन, ऑप्शो यू लाइक इट, ठीक है, और पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी टीम और ज़्यादा एफिशिएंटली के रिगार्डिंग कार्य करें। फास्ट रिकैप एक बार ले लेते हैं अपने कौन कौन से आर्टिकल, तो एक तो डैम का आर्टिकल देखा, मणिपुर और म्यांमार का जो इशू, टू डी मजांग डैम है, ट्वाई जैंग नदी के किनारे बना रहा है, थोडू ट्राइब रहती है कहाँ पर, मणिपुर के अंदर, मणिपुर के अंदर और कौन कौन से डैम है, मैपिथैल खोडगा डैम और ताइपाइमुख खोगा और मैपिथैल। इसके अलावा अपन ने देखा है कि भाई ये जो फ्यूल प्राइस का डायरेक्ट बेनिफिट कंज्यूमर्स को मिल नहीं रहा, तो वो सारी बात अपन ने की थी 2010, 2013 और 2017 वाली। इसके अलावा पीएसबी के अंदर क्या डीरेगुलेशन करना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे इशू अपन ने देखे, पीएनबी घोटाला संबंधित, और कितना पैसा चाहिए, 2.4 लाख करोड़ पैसा चाहिए वैसल नॉन थर्ड से मिलने के लिए। इसके अलावा अपने विटनेस की मानली मत कमेटी, और इसके अलावा 178 लॉ कमीशन की रिपोर्ट से संबंधित बातें, और लॉ ऑर्डर स्टेट का इशू, ये सारी बात इसके अंदर देखिए। इसके अलावा एससी पुश फॉर फर्दर इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स वाली बात अपन ने देखी कि भाई जो भी चुनाव लड़ेगा उसको अपनी जो संपत्ति का डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और सबसे पहला आर्टिकल अपन ने देखा कि इंडिया की जो विदेश नीति हो किस तरफ होनी चाहिए, जो उसके बाउंड्री शेयरिंग नेबरहुड हो उनकी तरफ ज़्यादा फ्लक्चुएट होनी चाहिए, रादर देन की फिलिस्तीन इजराइल और साउथ एशियन कंट्री। तो ये हमारा टू डेज आर्टिकल एक्सप्रेस है, होप सो आप इसको पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच।